सबको मिलकर उन लोगों को कंडेम करना पड़ेगा जो धर्म की आड़ में कानून से खिलवाड़ कर रहे हैं, कानून के हाथ काटने की कोशिश कर रहे हैं, चाहे वो पटियाला का मामला हो, चाहे मरकज का मामला हो। मरकज वाले अगर लोगों को मरघट भेजते हैं तो हम मिलकर कंडेम करेंगे, लेकिन हम इसको धर्म के चश्मे से नहीं देख रहे हैं। आप कह रहे हैं कि कमलनाथ सरकार ने मरकज वालों को रोका नहीं, तो क्या आप ये भी कह रहे हैं कि कांग्रेस दामाद की तरह बिहेव कर रही है मरकज वालों के साथ और कंडेम नहीं कर रही है? लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आपकी सरकार बनने के बाद, 23 तारीख को बनने के बाद, क्या आपने सबको सेंसिटाइज किया कि भैया ये धर्म का मामला नहीं है? आप इसमें इस तरह के बयान आपकी पार्टी के लोग दे रहे हैं कि सब कुछ मरकज ने कर दिया। सरकार केंद्र में आपकी, दिल्ली में पुलिस आपकी, होम मिनिस्ट्री आपकी, मरकज का इलाका आपके अंडर में, तो दोषी सिर्फ कांग्रेस वाले हैं, सोनिया गांधी और राहुल गांधी हैं, कमलनाथ हैं। दिलीप भाई, मरकज वाले विकृत मानसिकता के लोग हैं। कोरोना से तो हम जीत ही जाएंगे, हमें विश्वास है, लेकिन इस मानसिकता से जीतने के लिए हमको और आपको भी, तिवारी जी आपको भी, मतलब मीडिया जगत भी, बहुत बड़ी लड़ाई लड़नी है। आप देखो, डॉक्टर उनके इलाके में गए इंदौर के अंदर, तो डॉक्टरों पर पथराव कर दिया, पुलिस का हाथ काट दिया, पुलिस गई तो बार्ड के अंदर नंगे घूमते हैं बेटियों के सामने, नर्सों के सामने, सिस्टरों के सामने, गाड़ी में गिरफ्तार कर ले तो थूकते हैं लोगों पर के कोरोना कैसे फैल जाएगी। ये स्थिति इनकी मानसिकता की है, हमको इस मानसिकता के खिलाफ भी लड़ना है। और इस मानसिकता को जो प्रश्रय दे रहे हैं, जो राजनीतिक दल के नेता हैं तथा कथित, चाहे वो दिल्ली के हों चाहे वो भोपाल के हों, उन नेताओं के खिलाफ भी जनता को बताना पड़ेगा कि ये नेता भी दूसरी खाल ओढ़े हुए हैं। और देखिए, आज जब देश पर संकट आया, आज कोई भाजपा पे संकट नहीं है, आज कोई कांग्रेस पे संकट नहीं है, किसी राजनीतिक दल पे संकट नहीं, देश पे संकट है। अच्छा चलिए, इन्होंने राजनीतिक रोटियां सेकी। नरोत्तम जी, मैं सवाल को थोड़ा बदल लेता हूं आपकी सुविधा के लिए और जनता की सुविधा के लिए, दर्शकों की सुविधा के लिए, कि 5 साल से आपकी केंद्र में सरकार थी और आप लोग जो झंडा दिखाते हैं, जो नक्शा दिखाते हैं, उसमें दिखाते हैं कि अटक से कटक तक, अगर मैं छोड़ दूं कटक को वहां पे, तो आप पूरे देश में इतना बड़ा विस्तार हुआ, हालांकि कुछ राज्यों में आपका सफाया भी हुआ दोबारा जब चुनाव हुए। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि 5 साल से क्या आपके केंद्र की निगाहें मरकज पर नहीं थी, निजामुद्दीन पर नहीं थी? क्या 5 साल से आपकी निगाहें इस बात पर नहीं थी कि वो गलत करते हैं, सिस्टम में खराबी पैदा कर रहे हैं? उधर इलीगल कंस्ट्रक्शन होता है, वहां पर सारे नॉर्म्स का वायोलेशन होता है, एमसीडी में आपकी जो पूरे पार्षद और पूरे लोग बैठे हुए हैं, कानून व्यवस्था आपके पास है, इंटेलिजेंस आपके पास है, होम मिनिस्ट्री आपके पास है, दिल्ली पुलिस आपके पास है, और अब आप कह रहे हैं उनको सुधारना पड़ेगा? तो अरे भाई, आप पहले कुछ बता देते कि आप गलत कर रहे हो, आप रोकिए इसको। सारे जमाती जो है पासपोर्ट लेकर आए, वीजा के साथ आए, नहीं है कि इलीगल नहीं है, ऐसा नहीं है कि ऐसा नहीं है कि हम गलत को गलत नहीं कह रहे हो, लेकिन जो बड़ी गलती है, जो ज्यादा जहरीला है, पहले उसे खत्म कर रहे हैं, और इसीलिए 370 खत्म की, 35 खत्म की, लद्दाख को अलग किया, ट्रिपल तलाक को लेके आए, मरकज को भी पकड़ ही लिया है। बचेगा कोई नहीं, जो भी देश विरोधी काम करेगा या देश के विरोध में सोचेगा, बचेगा कोई नहीं। ऐसा मत मानो, 6 महीने सरकार को, 8 महीने हुए आए थे, ये सब उसी की उपलब्धि है। अयोध्या से लेके कश्मीर तक जो आपके सामने है, उस बाबरी ढांचे से जो बड़ा बड़ा जितना जहरीला है, हम लगातार करते जा रहे हैं, लेकिन देश की अन्य व्यवस्थाओं को भी सामने रखना पड़ता है। नरोत्तम जी, ऐसा लगता है कि जो अच्छा अच्छा हुआ है वो आपका है, बाकी जहरीला काम जो है, जो जितना भी किया है, वो नेहरू जी ने किया है, सोनिया गांधी ने किया है, राहुल गांधी के पिताजी ने किया है, लेकिन सत्ता में आप लोग हैं, तो चलिए हम जरा सूर्य प्रताप शाही जी से पूछ लेते हैं। जो सामने सूर्य प्रताप शाही जी से पूछ लेते हैं, आपके आपके बड़े भाई, मैं नेहरू जी की तरफ नहीं जा रहा, आपके बड़े भाई हैं, आपके साथी हैं, सरकार में बड़ी मंत्री का हैसियत है उनकी, और बड़े नेता हैं, बीजेपी के अध्यक्ष रहे हैं उत्तर प्रदेश के, शाही जी, हम मान लेते हैं कि सारा दोष जो है विपक्षियों का है, लेकिन सत्ता तो आपके हाथ में साहब, और सब कुछ गलतियां वो कर रहे हैं, तो आप सही कब कर पाएंगे? देखिए, आप जो आज इस चर्चा को छेड़े हुए हैं, ये राजनीतिक चर्चा को और राजनीतिक बहस चलाने का आज ये विषय नहीं है। ये आज संकट की घड़ी है और वैश्विक संकट है, उसमें भारत भी उससे प्रभावित है।
आदरणीय हमारे प्रधानमंत्री जी ने साफ तौर पर नरेंद्र मोदी जी ने ये संकेत किया है कि आज संपूर्ण देश को मिलकर के इस लड़ाई को लड़नी है और हमको कोरोना महामारी को परास्त करना है। और इसलिए मुझे बेहतर यह होगा कि आज हम इन सावधानियों को बरतते हुए हम इस बात का प्रयास करें कि कैसे इस महामारी को फैलने से रोकेंगे और कैसे हम जो है वो अपने को बचा करके रखेंगे और मानवता को और मानव जीवन को बचाने की कोशिश करेंगे। और इसलिए मैं समझता हूं कि जिस बहस की आज आपने छेड़ शुरू की है यह आज उपयुक्त समय में नहीं है। शाही जी मैं आपके शाही जी मैं आपका पूरा सम्मान करता हूं, पूरी गंभीरता के साथ मैं कह रहा हूं कि आपके इस स्पिरिट का, खेल भावना का, राजनीति में खेल भावना की कमी होती है लेकिन मैं कहूंगा ये खेल भावना है जो आप दिखा रहे हैं। लेकिन मौत बांटने वाले लोगों पर सवाल खड़ा करना हमारा हक है और गलत करने वाला चाहे वो सरकार का नुमाइंदा हो चाहे प्रशासन का नुमाइंदा हो हम सवाल जरूर पूछेंगे। और मैं पूरी विनम्रता के साथ कह रहा हूं कि मैं वही सवाल पूछ रहा हूं जनता पूछ रही है क्योंकि ये सब कुछ जिन लोगों ने मैं आपको कटघरे में नहीं खड़ा कर रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि जिस तरह से बड़ी तादाद में मजदूर सड़कों पर निकले, गाजियाबाद की बॉर्डर पर हमने जनसैलाब देखा, चाहे वो दिल्ली के सीएम केजरीवाल की गलती हो या उनकी तरफ से भड़काने के जो आरोप लगाए गए कि सीएम की पूरी टीम ने भड़काया और लोगों को डीटीसी बसों में भरकर गाजियाबाद की बॉर्डर पर छोड़ा गया, हजारों किलोमीटर लोग पैदल चलकर घर पहुंच रहे हैं, ये कहीं ना कहीं तो सिस्टम का फेलियर है। देखिए जब कभी दैवी आपदा आती है तो वह बता करके नहीं आती। और जहां तक कोरोना का सवाल है, सबसे पहले हमारे देश में आदरणीय प्रधानमंत्री जी के निर्देश में 10 तारीख को ही इस बात का फैसला 10 फरवरी को ही इस बात का फैसला हो गया था कि जो लोग वीजा पर हैं वह यदि 13 तारीख तक अपने देश के भीतर नहीं आ जाएंगे तो हम पूरा उसको आने की अनुमति नहीं देंगे। और इस प्रकार से 13 तारीख के बाद विदेशियों का आवागमन पूरी तरह से ठप कर दिया गया था, पूरी विदेश की जितनी भी फ्लाइट्स थी उनको कैंसिल कर दी गई और ये प्रयास किया गया। ये आज की बात नहीं मैं कर रहा हूँ, ये 10 से लेकर के 13 फरवरी की बात मैं कर रहा हूँ। और भारत सरकार ने जब हमारे देश के भीतर अभी बहुत कम संख्या में मरीज थे तभी उन्होंने इस तरीके का फैसला लिया और आगे चल करके धीरे धीरे उसको और कठोर बनाते गए, सारी फ्लाइटें बंद कर दी, सारे ट्रेन बंद कर दिए और कोशिश इस बात के लिए किया। तो 12 तारीख से लेकर के और 22 तारीख जो जनता कर्फ्यू हुआ 10 दिन का वक्त था जिससे देश को इस बात का संदेश चला गया था कि आने वाले दिनों में हमको संयम बरतना है और हमको सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करना है। जी जी हमारे ऊपर भी एक खतरा बिल्कुल ठीक, हम आपसे सहमत हैं और इसलिए शाही जी वो अपने घरों तक शाही जी वो अपने यहाँ पहुंच गए शाही जी, लेकिन जब बीमारी बहुत तेजी से फैलती है तो हमें उस कठोर कदम भी उठाने पड़ते हैं। और उस निर्णय से स्वयं प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि हम जानते हैं कि बहुत सारे लोगों को काफी तकलीफें हुई हैं, यदि उनके कहने के बाद मैं समझता हूं कि अब बात फिर उस कुछ कहने की नहीं रह जाती। स्वाभाविक रूप से यदि लोगों की जिंदगी को बचाना था तो इस तरीके के कठोर निर्णय करने थे। हाँ हमारी राज्य सरकारों ने भी और केंद्र सरकार ने भी पूरा ये प्रयास किया कि हम जितना लोगों की मदद कर सकते हैं उस दृष्टि से मदद करने का उन्होंने प्रयास किया है और राज्य सरकारों का भी इसमें बहुत बहुत बड़ा सहयोग रहा है जी, और जी। इसलिए जो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना ये अभी बहुत पहले ही घोषित करके और प्रयास ये किया गया कि हर आदमी को हम इस बात का भरोसा दिला सकें कि उनके जीवन में आने वाली कठिनाइयों के लिए सरकार उनके साथ खड़ी है, हम उनको सहयोग कर रहे हैं, उनकी व्यवस्था कर रहे हैं और लगातार क्रमानुगत ढंग से उस व्यवस्था को किया गया है और कोशिश की गई है कि लोगों को देश में किसी को हम भूख से जी शाही जी हम उम्मीद करते हैं कि आपकी सरकार यूपी की सरकार योगी जी के नेतृत्व में जो चल रही है, आपने जितनी मेहनत की है क्योंकि यूपी की आबादी बहुत ज्यादा है, बहुत चुनौतियां आपके सामने हैं और हम ये भी कह रहे हैं कि आपकी सरकार ने आपने खासतौर पर किसानों की इस बड़ी चिंता है, आपने जो काम किया है उसकी हम सराहना भी करते हैं क्योंकि हमारा काम केवल आलोचना करना नहीं है। और हम उम्मीद करते हैं कि जो किसान जो दर्शक जो श्रोता इसको इस वक्त सुन रहे होंगे जहां भी देख रहे होंगे
वो यूपी सरकार की बात जरूर माने, क्योंकि यूपी में बहुत बड़ी आबादी का जो माइग्रेशन हुआ है, देश भर से लोग वहां पहुंचे हैं या वहां से लोग बाहर की तरफ निकले हैं, वो भी एक खतरा पैदा हो सकता है। इसलिए आप सरकार की बात मानिए, आप शाही जी की बात मानिए। शाही जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, और हम उम्मीद करते हैं कि आप किसानों के लिए जो कर रहे हैं उससे किसानों का भला होगा, किसानों की मुश्किलें कम होगी, और हम ये भी उम्मीद करते हैं कि हम आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर लगातार आपकी मदद करेंगे। को आश्वस्त करना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश की योगी आदित्य सरकार और आदित्यनाथ जी की सरकार और प्रधानमंत्री मोदी जी किसानों के साथ हैं, और उनके कठिनाइयों का हर तरीके से हम निराकरण और समाधान निकालेंगे, वो हैरान और परेशान न हो। बहुत धन्यवाद आपका, और हम उम्मीद करते हैं कि किसानों की समस्या जो भी होगी सरकार उसका तुरंत संज्ञान लेगी। सरकार लगातार मॉनिटरिंग भी कर रही, तमाम सुविधाएं दी गई हैं। इस वक्त हमारे साथ हमारे जो सहयोगी जुड़े हुए हैं, जरा हम सबसे पहले चल देते हैं रायपुर। रायपुर में मेरे जिया इस वक्त मेरे साथ शायद देवेश तिवारी जुड़ रहे हैं, आप उनसे कुछ सवाल पूछ सकते हैं। बिल्कुल देवेश, मेरा सवाल यही होगा कि एक तरफ छत्तीसगढ़ में कुछ दिनों पहले ऐसी स्थितियां बन गई थी कि लग रहा था कि छत्तीसगढ़ कोरोना फ्री हो जाएगा, सिर्फ एक एक्टिव मरीज था और वो भी स्वस्थ होके जल्द घर चले जाएंगे, ये बहुत उम्मीदें थी। छत्तीसगढ़ ये कोशिश कर रहा था कि सार्क देशों तक भी अपनी जो योजनाएं हैं वो पहुंचाई जाए। रायपुर एम्स इतना अच्छा काम कर रहा है कि पूरे विश्व के सामने नजीर बन गया था, लेकिन कटघोरा में जो हुआ उसके बाद ऐसा लगा कि पूरे जो प्रयास थे उन पर पानी फिरने का काम हो गया। 31 अब एक बार फिर यह आंकड़ा पहुंच चुका है, किस तरह की तैयारियां फिलहाल अब नजर आती है, क्योंकि प्रधानमंत्री का संबोधन आपने सुना, इसके बाद हो सकता है कि छत्तीसगढ़ में कुछ क्षेत्रों में कुछ ढील भी दी जा सकती है, लेकिन ये देखना होगा कि छत्तीसगढ़ के अंदर अब कड़ाई से और नियमों का पालन होता है, लेकिन कटघोरा ने एक बार फिर छत्तीसगढ़ की मेहनत पर पानी फिर कर रख दिया है, ये कह सकते हैं। देखिए जी, छत्तीसगढ़ के पास खुश होने की वजह भी है और दुखी होने की वजह भी है। जी, दुखी होने की वजह यह है कि छत्तीसगढ़ में कटघोरा में अभी भी 21 पॉजिटिव मरीज हैं, कल जब टेस्ट हुई है 84 लोगों की, उसमें कोई पॉजिटिव नहीं पाया गया, ये खुश होने की वजह हो सकती है। खुश होने की वजह यह भी है कि अब तक केवल 5 जिलों में ही कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे, जिनमें एक जिले के एक ब्लॉक। जी, ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। हम इस खास कार्यक्रम में जिसका नाम है लॉक है डाउन नहीं, क्योंकि हम हैं इंडिया वाले, मेहमान नवाजी के लिए हम जाने जाते हैं, हम कहते हैं अतिथि देवो भव। इस वक्त हमारे साथ एक खास मेहमान है प्रहलाद पटेल, केंद्रीय पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री। प्रहलाद जी बहुत बहुत स्वागत है आपका, गले में आपके रुमाल है या मास्क है, और कैसे हैं आप? प्रहलाद पटेल जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? बिल्कुल दिलीप जी, सुन पा रहे हैं जी। मैं कह रहा था कि आपके गले में रुमाल या मास्क है और आप कैसे हैं? उम्मीद करता हूं कि आप अपने कार्यकर्ताओं के साथ, अपनी पार्टी के वर्कर्स के साथ, अपने अफसरों के साथ पूरी तरह से स्वस्थ होंगे। आवाज आ नहीं रही सही, थोड़ा तकनीकी दिक्कतें हैं। हाँ बिल्कुल, आप भी स्वस्थ रहे, ये प्रभु से प्रार्थना है, क्योंकि आप जैसे नेताओं की, आप जैसे मंत्रियों की और जो सिस्टम की जरूरत है इस वक्त पूरे देश को, क्योंकि बहुत बड़ी महामारी है। प्रहलाद जी, कैसा आप हालात देख रहे हैं? आज प्रधानमंत्री ने ऐलान किया है कि 3 मई तक आपको लॉक रहना पड़ेगा, लेकिन हम कह रहे हैं कि डाउन मत रहिएगा, क्योंकि हम इंडिया वाले हैं, डाउन नहीं होते हैं जल्दी। नहीं, मुझे लगता है कि संदेह का कोई कारण नहीं है। प्रधानमंत्री जी ने 21 दिन तक जो देश के लोगों ने सहयोग किया है, जिस प्रकार से संयम का परिचय दिया है, उसका अभिनंदन किया है। और मुझे लगता है, मैं जिन कठिन क्षेत्रों से आता हूं, कि लोगों में भरोसा बढ़ा है, लोगों में जागरूकता बढ़ी है, लोग आने वाले इस संकट को बहुत निकट से देख रहे हैं, उसकी गंभीरता को समझ रहे हैं, और इसलिए मुझे लगता है लोग अक्षरशः पालन करेंगे और मुस्तैदी के साथ, शक्ति के साथ पालन करेंगे। प्रहलाद जी, आप जिस क्षेत्र से आते हैं, जिस प्रदेश से आते हैं, वो इस समय कोरोना की महामारी से जूझ रहा है, इंदौर, भोपाल, जबलपुर या बाकी भी बात करूं मैं, तो आप मध्य प्रदेश को लेकर कैसे देख रहे हैं, क्योंकि सब जगह ये कहा गया कि मरकज के लोग आए और लोगों को मरघट तक पहुंचा रहे हैं? देखिए, अगर आप मध्य प्रदेश की बात करेंगे, बुंदेलखंड, रीवा और जबलपुर में, तो जबलपुर को छोड़कर
और जबलपुर में भी बाकी जो संख्या बढ़ी है उसके कारण आपको भी अच्छी तरह से पता है, लगभग आधा मध्य प्रदेश यानी तीन बल्कि आधे से ज्यादा मध्य प्रदेश में किसी भी प्रकार के कोई पॉजिटिव मामले नहीं है, और वो जो हैं वो संख्या और वो आंकड़े आप सबको पता है। और इसलिए मुझे लगता है कि जो भी आर्थिक गतिविधियां शुरू होनी है, जो भी गाइडलाइंस भारत सरकार देगी, मध्य प्रदेश उसको पालन करने में समर्थ है। खासकर बुंदेलखंड, बघेलखंड और जबलपुर का संभाग, इसमें बहुत कम संख्या जबलपुर में है, एक सागर में है, एक छिंदवाड़ा में। प्रहलाद जी, लेकिन जिस तरह से आप पूरे देश में, आप चूंकि सेंट्रल मिनिस्टर हैं, केंद्रीय मंत्री हैं, मोदी जी की सरकार में एक प्रमुख चेहरा है, आपके ऊपर जिम्मेदारी है अतिथियों का स्वागत करने का, अतिथि देवो भव एक तरह से हमारी संस्कृति है, वसुधैव कुटुंबकम, लेकिन इस समय लगता है कि अतिथि तुम कब जाओगे, ऐसे हालात हो गए। नहीं, मुझे लगता है कि अपन इस दृष्टिकोण से देख क्यों रहे हैं, हम इसको क्यों भूल जाते हैं कि अभी भी देश में 800 से ज़्यादा अमेरिकी पर्यटक हैं, जिनमें से अमेरिका ने कोशिश की कि भाई उनको वापस आना है तो वो तैयार हैं, 10 लोगों ने सहमति दी, बाकी लोगों ने भारत में रहना स्वीकार किया। आप इटली के उस ग्रुप का भी अंदाज़ा करिए जो राजस्थान से दिल्ली आकर जो स्वस्थ हुआ, वो वापस अपने देश में नहीं गया। मुझे लगता है कि हम दूसरे नज़रिए को भी तो देखें कि दोनों प्रकार की तुलना इतिहास करेगा, ऐसा मुझे साफ लगता है कि हम एक सुरक्षित डेस्टिनेशन के रूप में दुनिया के सामने प्रस्तुत हुए हैं। हमारी चिकित्सा पद्धति, हमारी जीवन शैली, हमारा अनुशासन और हमारे नेतृत्व के प्रति आस्था, ये इतनी प्रखरता के साथ आगे बढ़ी है। मैं मानता हूं कि भारतीय जीवन शैली और भारतीय चिकित्सा पद्धति के प्रति जो विश्वास, जो मान और जिस प्रकार से उसकी कीमत बढ़ी है, ये कमतर नहीं है, ये बहुत ज्यादा है। दूसरी बात मैं कहता हूं कि हम हमेशा से कहते थे कि हम भूखे होंगे तो अभी सामने वाला कोई भूखा होगा तो हम आधी रोटी उसको दे देंगे, उसके बाद हम खाएंगे, जरूरत पड़ेगी तो पूरी दे देंगे, ये भी हमने साबित कर दिया। और इसलिए मुझे लगता है चाहे हमारी जीवन शैली हो, चाहे हमारी चिकित्सा पद्धति हो, और चाहे हमारा विश्वसनीय नेतृत्व जिसके प्रति पूरा देश इस बात के लिए आस्था रखता है, और मैं मानता हूं वो भरोसा इस आपदा से निकालने में बड़ा सहायक हुआ है। और जो चीजें दिख रही हैं, हम दुनिया के उन तमाम देशों की तरफ भी देखें जहां पर जनसंख्या का घनत्व तो कम है, जिनकी स्वास्थ्य सुविधाएं बेहतर है। हमारा तो जनसंख्या का घनत्व सर्वाधिक है, स्वास्थ्य सुविधाएं न्यूनतम है, उसके बाद भी हम इस आपदा से अगर निपट पा रहे हैं तो ये हमारी जीवन शैली है, हमारे नेतृत्व की दूरदर्शिता है, हमारी स्वास्थ्य की जो शैली है ये इनकी मान्यता स्थापित हुई है दुनिया के सामने। और इसलिए मुझे लगता है कि हमें एक बेहतर सुरक्षित डेस्टिनेशन के रूप में भारत आज स्थापित हुआ है और उसके दूरगामी परिणाम होंगे। राजा, आप ठीक कह रहे हैं कि हमारी परंपरा, हमारी संस्कृति ये है, साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं, साधु भी भूखा ना जाए। और ये अच्छी बात है आपने जो कही है, और हम इस वक्त यही कहते हैं बार बार कि आप ये मत समझिए कि आप लॉक हैं, आप डाउन बिल्कुल मत हो जाइए, क्योंकि पूरी देश की सरकार, देश के मंत्री जो केंद्रीय मंत्री हैं, सरकारें, राज्य सरकारें काम कर रही हैं, पुलिस वाले सड़कों पर हैं, डॉक्टर्स अपने परिवार को छोड़कर अपनी जान दांव पर लगाकर वो आपके लिए सेवा कर रहे हैं। और जैसा प्रहलाद जी ने कहा कि पूरी दुनिया इस वक्त लोहा मानेगी, इतिहास जब लिखा जाएगा, क्योंकि जो पहली बार ये महामारी हमारी पीढ़ी ने देखी, आपकी पीढ़ी ने देखी प्रहलाद जी, कि ये भी इतिहास लिखा जाएगा कि अमेरिका जैसे ताकतवर मुल्क के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अपील कर रहे हैं कि हमको हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन SCQ दे दीजिए और हमारे देशवासियों की मदद कीजिए, और बाद में बदले में वो आपको कहते हैं कि हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं भारत के लोगों का और भारत के प्रधानमंत्री का, हमने न केवल अमेरिका को बल्कि दुनिया के कई मुल्कों को SCQ सप्लाई की है। और ये एक अच्छी बात है कि आज भारत इसलिए भी जाना जाएगा कि हमने बुरे वक्त में न केवल अपने लोगों का ख्याल रखा बल्कि पूरी दुनिया, वसुधैव कुटुंबकम का जो हमारा नारा है, फिलॉसफी है, उसका ख्याल रखा। मुझे लगता है कि आज जो प्रधानमंत्री जी ने कहा कि 7 संकल्पों के साथ अगर हम साथ देंगे तो हम कोरोना पर भी विजय प्राप्त करेंगे, और साथ में हमारे देश के नौजवानों से उन्होंने कहा है कि आयुष के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में नए अनुसंधान की तरफ आप आगे बढ़िए। 3 अगर हम बिंदु देखें पहले वाले, वो मानवता के आधार पर है, गरीब आदमी भूखा ना रहे,
उसकी मजबूरी का कोई लाभ ना उठा पाए। आयुष मंत्रालय के निर्देशों का अगर हम पालन करते हैं और उसके बाद लॉकडाउन में रहते हैं तो हमारे स्वास्थ्य को कोई खतरा नहीं हो सकता। बाकी बचे हुए जो बिंदु हैं वो हमारी नैतिकता और हमारे नैतिक बल को का उजागर करते हैं, चाहे वो हमारा स्वास्थ्यकर्मी हो, चाहे वो हमारा सुरक्षाकर्मी हो, और चाहे वो स्थानीय निकाय का सैनिटाइज करने वाला एक छोटा सा कर्मचारी हो। वो तीनों देवदूत बनकर हमारे सामने आए हैं। प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि हम उनका सम्मान करें, उनकी चिंता करें, उनके परिवार की चिंता करें, और मुझे लगता है कि पूरा देश बिना कहे उनसे, जिनको लोग कई बार अछूत मानते थे, आज उनके गलों में हार पहना रहे हैं, उनसे उनके सामने भावुक होकर उनका सम्मान कर रहे हैं। ये मैं समझता हूँ भारतीय संस्कृति का सबसे बड़ा संबल है। और जो चीज़ें कही गई हैं, अगर हम आयुष मंत्रालय की बात करें तो जी हमारी भारतीय चिकित्सा पद्धति के प्रति भरोसे का पुनर्स्थापना है, या जिसको हमने कुछ समय के लिए बाजू में छोड़ दिया था उसकी महत्ता आज फिर से स्थापित हुई है। और इसलिए मुझे लगता है कि बहुत सारी चीजें, ये आपदा हमको चुनौती उसने दी है लेकिन चिंतन करने का भी अवसर दिया है, और हमारे मानदंडों को पुनर्स्थापित करने का भी दुनिया के सामने एक बेहतरीन अवसर है। मैं इसको सकारात्मक दृष्टि से भी देखता हूँ। पहला जी, एक और आपने कहा कि हमको पॉजिटिव चीजें देखना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, सकारात्मक बने रहना चाहिए, और अच्छी बातें आपने जो बताई हैं वो हमारे दर्शक जो हमसे जुड़े हुए हैं पूरे देश भर में हमको देख रहे हैं। और मैं आपसे दो तस्वीरों की बात और करना चाहूँगा जो विचलित करने वाली हैं, परेशान करने वाली हैं। एक तस्वीर थी इंदौर में जो सैंपल लेने गई, टेस्टिंग के लिए गई टीम के लोगों पर हमला, उसमें डॉक्टर्स भी थे, सब नर्सिंग स्टाफ भी था और पुलिस भी थी। दूसरी तस्वीर आई है, कल ही की तस्वीर है, जिसमें पटियाला में एक असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर हरजीत सिंह का हाथ काट लिया, सिर्फ इसलिए क्योंकि उन्होंने पास मांगा था, लॉकडाउन का पालन करवा रहे थे। ये तस्वीर विचलित करने वाली है। मुझे लगता है कि ये अमानवीय कृत्य सामने आए हैं, इतिहास इसको जरूर याद रखेगा। लेकिन दूसरा पक्ष वो भी है, इंदौर में जिस महिला डॉक्टर को पर हमला हुआ था वो दूसरे दिन मुसी मुस्तैदी के साथ उसी क्षेत्र में जाकर फिर से उनसे जान बचाने की कोशिश करती है, वो हमारी मातृशक्ति का सबसे सर्वोच्च स्वरूप था। और इसलिए मुझे लगता है कि हम दोनों पक्षों को देख रहे हैं, जिनने ये अमानवीय काम किया है उन पर सरकार ने कठोर कार्रवाई की है। और देखिए प्रकृति का न्याय, कि जो लोगों ने वो पथराव किया था उन स्वास्थ्य कर्मियों पर, वो भी कोरोना से पीड़ित निकले, लेकिन सरकार ने उनको रखा, उनकी भी चिकित्सा की भी चिंता की है। तो ठीक है, समाज में ऐसे कुछ चंद लोग जो हमारी मान्यताओं को झुठलाने की कोशिश करते हैं, लेकिन उन्हें प्रकृति भी सजा दे रही है और सरकार भी उनको सजा देगी। प्रहलाद जी, आपका एक बहुत, जो मैं व्यक्तिगत तौर पर जो जानता हूं कि आपको मजदूरों का, किसानों का और जमीन से जुड़े लोगों का संगठक के तौर पर पार्टी आपको बहुत मानती है। बीच में आप राजनीतिक वजहों से, आपने पार्टी से अलगाव भी हुआ था, लेकिन जब आपको पार्टी लाई थी तो आपको पार्टी ने अहम जिम्मेदारी दी थी कि आप पूरे देश के श्रमिकों को, मजदूरों को, किसानों को, रिक्शे वालों को, ठेली वालों को, जमीन से जुड़े हुए लोगों को और बेसहारा लोगों को, या ऐसे लोग जो बेघर हैं उनको आप जोड़ेंगे। और मैंने देखा दिल्ली में आपने रामलीला मैदान में लाखों की तादाद में वो लोग जो खुद से चलकर आए थे, लाए गए नहीं थे, आज वही लोग हमने एक बार फिर देखे हैं। मैंने अपनी आंखों से ऐसा मंजर शायद नहीं देखा होगा, शायद आपने भी नहीं देखा होगा, आप मुझसे ज्यादा मजबूती से आप जमीन से जुड़े हुए हैं, राजनीतिक जीवन में है, सार्वजनिक जीवन में है। वो तस्वीरें हमको परेशान करती थी कि लोग हजारों हजार किलोमीटर से चलकर अपने घरों की तरफ लौटने लगे। ये मैं किसी राजनीतिक बात नहीं कर रहा हूं, ना किसी सरकार पर आरोप लगा रहा हूं, लेकिन एक बार फिर वो केवल अपनी जान की परवाह नहीं थी उनको, केवल अपने घर पहुंचना था। दिलीप जी, उसके दोनों चित्रों को हमें देखना चाहिए, मैं आपकी बात से सहमत हूँ, लेकिन हम उन क्षेत्र बुंदेलखंड से आता हूँ मैं, जहाँ लाखों की संख्या में मजदूर वापस आए, लेकिन आप एक पक्ष देखिए कि करोड़ों लोगों को मुफ्त में अनाज बढ़ सकता है इस विपरीत परिस्थितियों में, और आपको शिकायत नहीं मिली है। आपका भी पत्रकारिता का जीवन बहुत लंबा है, हमारी आपकी सार्वजनिक जीवन की आयु लगभग बराबर है, थोड़ा बहुत फासला होगा। कभी आपने प्रशासन का और सामाजिक कार्यकर्ताओं की समर्पण का ऐसा समन्वय नहीं देखा होगा। मुझे लगता है कि इतने जो गरीब आदमी था, एक वो गरीब आदमी को 3 महीने का राशन मिल गया,
लेकिन इस बार एक नई जरूरतमंदों का वर्ग तैयार हुआ है जो गरीब नहीं है। उदाहरण के लिए कि मंदिर में पुजारी है जिसका परिवार पूरी तरह से मंदिर की आय पर चलता था, पूजन से चलता था, अब वो गरीब नहीं है, वो किसी श्रेणी में नहीं आता, लेकिन आज वो जरूरतमंद है। आज 2-3 एकड़ का, 4 एकड़ का जो सब्जी उत्पादक किसान था, जिनको हम कुशवाहा कहते हैं, काछी कहते हैं, ऐसा एक वर्ग है जो गरीब नहीं है लेकिन आज जरूरतमंद है परिस्थिति के कारण, और नाई है। मुझे इन सब बातों की भी चिंता समाज और सरकार ने की है। जो कार्ड होल्डधारी नहीं है, उनके पास में कोई गरीबी रेखा का कार्ड नहीं है, राशन कार्ड नहीं है, पर्ची नहीं है, लेकिन उसके बाद भी उसकी भी चिंता हुई है। और इसलिए मुझे लगता है, और आज भी जो माननीय प्रधानमंत्री ने कहा है कि कल कोई गाइडलाइन जारी होगी, ये पूरी तरह से उसी गरीब वर्ग की बात है जिसकी बात आपने कही है, वो रिक्शा वाला, वो ठेला वाला, वो हर दिन कमाने खाने वाला, या उससे ज्यादा आगे एक स्टेप जाकर निम्न मध्य वर्ग का व्यक्ति, उन सबको, सब पर नजर है, सबका पैमाना, सबकी जरूरतों का ध्यान है, और उसका रास्ता निकलेगा। और मुझे लगता है कि सबसे बड़ी बात है कि जो अंतर विश्वास है वो हमारे विजय का बड़ा कारण है। वो विश्वास चाहे नेतृत्व के प्रति हो और चाहे खुद के प्रति हो, दोनों ने बड़ी सार्थक भूमिका अदा की है। पहला जी, आप बने रहिएगा हमारे साथ, थोड़ा सा हमको आपके पास से दिल्ली से हमको पहुंचना पड़ेगा लखनऊ, और आप थोड़ा वक्त और दीजिएगा, हम थोड़ा वक्त लेंगे क्योंकि जनता आपको सुन रही है। पीसी शर्मा मध्यप्रदेश में है, भोपाल में, और सुरेश खन्ना जी जो वित्त मंत्री हैं योगी सरकार में, देश का सबसे बड़ा प्रदेश और दुनिया के कई मुल्कों को अपने में समा लेने की शक्ति वाला प्रदेश उत्तर प्रदेश। सुरेश खन्ना जी, हमको सुन रहे हैं आप? जी हाँ, सुन रहा हूँ। हमारे साथ प्रहलाद पटेल जी जुड़े हुए हैं, आपकी ही पार्टी के हैं, केंद्र में मंत्री हैं, केंद्रीय पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री हैं। पीसी शर्मा साहब भोपाल में हैं, सरकार में मंत्री रहे हैं, अब सरकार नहीं है। प्रहलाद पटेल जी की पार्टी ने उनको सत्ता से बेदखल कर दिया है, आपकी पार्टी ने बेदखल कर दिया है, और शिवराज जी मुख्यमंत्री हैं। मैं आपसे सवाल करता हूं कि यूपी के हालात को देखते हुए, आप खजाना आपके पास है, कैसे देख रहे हैं आप हालात आज के दौर में? मैं प्रधानमंत्री जी ने जिस संवेदनशीलता का परिचय देते हुए पूरे देश की जनता को जिस महामारी से बचाया है, मैं उनके प्रति धन्यवाद देता हूं, और उनके आज के निर्णय का स्वागत करता हूं कि जो उन्होंने 3 मई तक लॉकडाउन को बढ़ाकर इस कोरोना जैसी महामारी को फैलने से रोकने का एक कार्य किया है। और मैं उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से ये कह सकता हूं कि हम मन वचन व कर्म से इसका पालन करेंगे। जहां तक आर्थिक गतिविधियों का सवाल है, निश्चित रूप से इससे प्रभावित हुई हैं, इसमें शक नहीं है, लेकिन लोगों की जान बचाना, लोगों को स्वास्थ्य लाभ करना, लोगों को सेहतमंद करना, ये हमारी प्राथमिकता है। क्योंकि अगर हम स्वस्थ रहेंगे, जीवित रहेंगे, तभी हम अपनी जीवन की बाकी गतिविधियों को अंजाम ठीक प्रकार से दे सकेंगे। बिल्कुल सुरेश खन्ना जी, पहले बिल्कुल सुरेश खन्ना जी, मैं आपको बताऊं, मैं आपसे इत्तेफाक रखता हूं, जैसा कहा जो प्रहलाद जी कह रहे थे कि हमारी संस्कृति में ये सब जो चीजें थी वो सब दुनिया के सामने हैं। मैं आपसे कह रहा हूं कि ना तो पैसे की जरूरत है, ना बंगले की जरूरत है, ना गाड़ी की जरूरत है, ना काम वालों की जरूरत है, ना सफाई वालों की जरूरत है, घर के अंदर की बात कर रहा हूं मैं, ना प्रेस वाले की जरूरत है। 2 वक्त की रोटी चाहिए, अच्छी हवा मिली रही है, साफ हो गई है वातावरण की हवा, पूरा माहौल अच्छा लग रहा है, लेकिन आदमी सिर्फ ये मांग रहा है कि हे प्रभु जिंदगी बख्श देना। आप क्या कहते हैं? आपको खजाने की चिंता करने के लिए मैं बिल्कुल नहीं कहूँगा, खजाने की चिंता मत करिए, पैसे की कोई जरूरत नहीं है, बस साई इतना दीजिए जा मैं कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं, साधु भी भूखा ना जाए, हम सब यही प्रार्थना कर रहे हैं आपसे। हमारी कोशिश यही है कि हर हालत में पहले हम इस बीमारी से, बीमारी के फैलाव को रोकें किसी भी तरीके से। लेकिन इसमें एक सबसे बड़ी बात यह है कि सरकार का निर्देश भी है, सरकार की मंशा भी है, लेकिन जनता का भी सहयोग अपेक्षित है, क्योंकि जनता को भी अपनी जिम्मेदारी समझकर पूरे मनोयोग से इसका पालन करना चाहिए, आज की आवश्यकता है। जी प्रहलाद जी को भी जाना है, और क्षेत्र में सुरेश जी, मैं आपके पास वापस लौट रहा हूं, सुरेश जी आपके पास वापस लौट रहा हूं, एक सवाल में
प्रहलाद पटेल जी से कर लेता हूं और एक सवाल मैं पीसी शर्मा जी से कर लेता हूं। प्रहलाद जी, हम ये मान लें कि बहुत सी चीजें हमने नई सीखी हैं, हमने घर के अंदर रहकर यह सीखा है कि हमको बड़ा घर नहीं चाहिए, छोटा घर होना चाहिए जिसको खुद हम साफ सफाई कर सकें, खुद कपड़े धो लें, खुद कपड़े प्रेस कर लें, पत्नी खाना बना ले, पत्नी बाकी सहयोग कर ले, बच्चे भी आजकल काम कर रहे हैं, परिवार का हाथ बटा रहे हैं, और आप लोगों ने रामायण शुरू कर दी है तो वो हे तात हे माते बोलते हैं अच्छा लगता है। देखिए, मुझे लगता है कि हम स्वावलंबी जीवन के और सादगीपूर्ण जीवन की हमारी संस्कृति रही है। बीच में लोगों को लगता था कि हम तो पैसा कमाएंगे और बाकी कामें कर लेंगे। ये सेवा करना का मतलब होता है कि हम दूसरे की मदद करें तब सेवा होती है, खुद का काम तो खुद को करना ही चाहिए। ये बातें तो हमारी संस्कृति की मूल बातें हैं और हम जैसे लोगों को तो जीवन में परिवार से और जहाँ पर जो संगठन में काम करते हैं उसमें संस्कार में मिली है, और इसलिए मुझे लगता है कि हमारी तो चिंता ये रहती है कि परिवार का काम तो हम मिलकर कर ही लेंगे, हमें दूसरे की मदद करनी चाहिए, ये सबसे बड़ी चीज़ है, और इसलिए आज हम फिर से वहां लौट कर आए। एक और बात दिलीप जी आपको ध्यान में होगी कि बरसों बाद दशकों बाद लोगों ने खुद ने खेत काटे, वरना लोग कहते थे यार हार्वेस्टर कटा लो कौन जाएगा। अब आप 4-5 एकड़ के किसी किसान के बारे में नहीं सुनेंगे कि उसने हार्वेस्टर का इंतजार किया, उसके परिवार ने खेत काट लिया, उसी ने बीन लिया। अभी इस इकोनॉमी के बारे में लोगों को अंदाजा नहीं है कि गांव में इस वर्ग को एक अच्छा पारितोषक भी मिला है। तो ऐसा नहीं है कि सब तरफ बाकी चीजें होती है, इन सकारात्मक पक्षों को भी हमें देखना होगा। जी, आप भी किसान हैं, आप कह रहे हैं कि सब एक दूसरे का सहयोग कर रहे हैं, लेकिन आप लोगों ने मध्य प्रदेश में कमलनाथ सरकार का सहयोग नहीं किया। पीसी भाई कुछ दिन पहले मंत्री थे, अब विधायक रह गए। मुझे लगता है कि इस पर जब समय आएगा तो जरूर बात करेंगे। पीसी भाई क्या कहेंगे, कोरोना के संकट के बीच भी चिंता नहीं की आपकी, आपकी सरकार गिरा दी? निश्चित तौर पर मैं समझता हूँ कि लॉकडाउन जो लेट हुआ और 24 मार्च हो गया, 23 मार्च को वर्तमान मुख्यमंत्री शिवराज जी ने, पीसी भाई आप मास्क हटा के बात कर सकते हैं, बात करने में दिक्कत नहीं है, मास्क हटा गया नहीं, कोई दिक्कत नहीं है जी। मैं बात कर रहा हूँ, जब तक रुके उसके बाद प्रहलाद पटेल जी आपका चेहरा भी देखना चाहते हैं ना टीवी में, प्रधानमंत्री जी ने डिक्लेयर कर दिया लॉकडाउन। प्रहलाद पटेल जी आपका चेहरा भी देखना चाहते हैं? दिख रहा है नहीं दिख रहा है प्रहलाद जी, आप परेशान तो नहीं है सत्ता से बाहर होके? अभी बीच में साथ में थे, आप सत्ता से बाहर होकर परेशान तो नहीं, इसलिए चेहरा भी दिखा दिए? नहीं, हम लोग जनसेवक है, तो चेहरा नहीं जा रहा क्या भाई, चेहरा दिखाओ पूरा पूरा चेहरा, नहीं चेहरा तो जा रहा है, पूरा पूरा चेहरा देखना चाहते हैं ये प्रहलाद जी, मेरा चेहरा अच्छे से जानते हैं प्रहलाद जी, मेरा चेहरा चाल चरित्र सही कह रहे हैं पीसी साहब, माथे पर चिंता की लकीरें तो नहीं है, हम नहीं पढ़ पा रहे यहाँ से, दूर है दिल्ली में बैठे हुए हम, सत्ता नहीं नहीं भाई ये अवसर नहीं है दिलीप जी, सत्ता अवसर नहीं है पीसी साहब, बिल्कुल सही कह रहे हैं, उनकी बात सुननी चाहिए। जी जी विशेष भाई बोलिए आप। मैं ये कह रहा हूँ कि जो आपने कहा ना कि खुद भी भूखे न रहें, साधु भी भूखा न जाएं, हम लोग तो उसी पद्धति उसी संस्कृति के लोग हैं, हम लोगों ने सब तय किया है हमारे साथियों ने कि एक टाइम भोजन करेंगे और जो दूसरे टाइम का बचेगा वो गरीबों में बांटेंगे, और जो जहाँ है अपने मोहल्ले में जाके वहाँ बांट दे। लेकिन एक चीज़ मैंने भी सुना है प्रधानमंत्री जी को, मैं कहना चाहता हूँ कि जो बात कही जा रही है, जो अभी प्रहलाद जी ने भी कहा कि जिनके पास राशन कार्ड है गरीबों के पास, वो तो ठीक है उनको 3 महीने का राशन मिला, लेकिन आज भी भोपाल जो मध्य प्रदेश की राजधानी है और नंबर 2 पे संक्रमित है इससे कोरोना से, वहाँ उन गरीबों को राशन नहीं मिला है भोपाल में, क्योंकि मेरे क्षेत्र में झुग्गी झोपड़ियाँ हैं बहुत, आज बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती है, मैं उनको सलाम करता हूँ, बहुत से बौद्ध समाज के लोग भी रहते हैं आज भी यहाँ पे बैठे हुए मेरे प्रांगण में, तो ये उनको जो लोग जिनके पास राशन कार्ड नहीं है उनको जो राशन मिलना चाहिए वो नहीं मिला है। हम बात करते हैं अमेरिका की, अमेरिका में 30 करोड़ की आबादी में 30 लाख टेस्ट हुए हैं और हमारे यहाँ हुए हैं 2 लाख 2.25 लाख टेस्ट, तो ये मान के चलिए ये भी लंबी लड़ाई है, 40 दिन 19 दिन और बढ़ गए, 40 दिन तक कौन से परिवार हैं जिनके पास खाने के सब मामले होंगे।
जिनके पास चावल होंगे, पीसी भाई वक्त का देश के अंदर 125 पीसी भाई वक्त की कमी है। मेरा ये कहना है कि उन गरीबों के राशन मिलना चाहिए, ये हमारा कहना है। कमलनाथ जी ने भी पहले दिन ही कहा था कि उन गरीबों को राशन मिले जिनके पास राशन कार्ड नहीं है, जो आज भी नहीं। जी बिल्कुल, प्रहलाद पटेल सुन रहे हैं, उनकी सरकार दिल्ली में भी है और मध्य प्रदेश में भी है। आखिरी सवाल मैं खत्म करने से पहले, इस कार्यक्रम को बाइंड अप करने से पहले लूंगा। सुरेश खन्ना जी, पीसी भाई मैं आपके पास इस कार्यक्रम के ब्रेक के बाद लौटता हूँ। सुरेश खन्ना जी, चिंता बड़ी है आपकी, आबादी बहुत बड़ी है, आपका जो दायरा है बहुत बड़ा है काम करने का, कैसे हालात लग रहे हैं? आप अभी भी फाइलें निपटा रहे हैं? सुरेश खन्ना जी मुझे सुन पा रहे हैं क्या? मेरी आवाज सुरेश खन्ना जी तक पहुंच नहीं रखता मैं। सुरेश खन्ना जी, तो उनसे संपर्क टूट गया। प्रहलाद जी, आखिरी टिप्पणी आपकी। नहीं, मुझे लगता है कि मध्य प्रदेश ऐसा राज्य है जिसने सबसे पहले इस बात की घोषणा की थी कि जो कार्ड जिनके पास नहीं है, खाली पर्ची भर है, उनको मिलेगा। इसके इतर भी जिनके पास दोनों चीजें नहीं है, उनको भी राशन मिल रहा है। अगर कोई व्यवधान है, क्योंकि भोपाल हॉट स्पॉट बना है, तो मुझे लगता है कि वो स्पेसिफिक जानकारी देनी चाहिए। सामूहिक तौर पर तो ऐसा नहीं है, पर हो सकता है कि कोई ऐसा बेचारा कोई अभागा हो जो बच गया हो, तो ये सूचना आएगी तो इमीडिएट प्रशासन घंटों में नहीं, उसके भीतर ही उसकी सप्लाई करता है। मैं देश भर में 100 के आसपास जगह पर मेरे लोकसभा क्षेत्र से लोग हैं, हम उनको मदद कर पा रहे हैं। प्रहलाद जी, आपका शहर नरसिंहपुर, जबलपुर, दमोह के सांसद, कैसे हालात है वहां के? नहीं, नरसिंहपुर में तो कभी, आपको पता है अच्छी तरह से, वहां कभी भोजन का संकट उस जिले में होता नहीं है। समाज और सरकार मिलके हम दूसरे लोगों को भी खिलाने का सामर्थ्य वहां रखते हैं। मैं कोरोना की बात कर रहा हूँ, कोरोना की बात कर रहा हूँ। मैं जबलपुर भी गया हूँ, मैं कोरोना के इम्पैक्ट की बात कर रहा हूँ। कोरोना नरसिंहपुर बढ़िया, नरसिंहपुर में लॉकडाउन बहुत सख्ती के साथ बहुत पहले से शुरू किया है, जिला प्रशासन उसके लिए बधाई का पात्र है। बहुत धन्यवाद। तो हम उम्मीद करते हैं कि सब कुछ देश में ठीक रहे, प्रधानमंत्री की बात सुनी जाए। और पीसी भाई मैं आपके पास लौट रहा हूँ। जी, कुछ गरीबों के अकाउंट में पैसे डलाएं जिससे बच्चों को दूध पिला सके, चाय पिला सके। गरीबों के अकाउंट में पैसे डालने की बात कर रहे हैं पीसी भाई। तो हमारे इस कार्यक्रम का नाम है लॉक है डाउन नहीं, क्योंकि हम हैं इंडिया वाले। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपील की है कि आप घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए, लॉकडाउन का पालन करिए। 3 मई तक लगातार आप अपने घरों में बने रहें, बिना काम बाहर ना जाएं, और देश को कोरोना की महामारी से बचाने के लिए हम सब की जिम्मेदारी है। न केवल प्रधानमंत्री, न केवल राज्य सरकारें, न केवल पुलिस, डॉक्टर्स, बल्कि वो सब लोग, चाहे वो सफाई कर्मचारी हो या तमाम दूसरे कामों में लगा पैरामेडिकल स्टाफ हो, देश की सीमाओं की रक्षा करने वाले सैनिक हो, हम सबको सलाम करते हैं और हम ये कहते हैं कि हम सब जिम्मेदार हैं, तभी हमारा देश बचेगा। जान है तो जहान है। और मैं अपने तमाम मीडियाकर्मी जो साथी हैं, उनको, मेरे साथ काम करने वाली जो टीम है, जी मीडिया की जो पूरी टीम है, जो दिन रात आप तक अपडेट पहुंचा रही है और अपनी जान जोखिम में डालकर वो देश के लिए काम कर रहे हैं, न केवल जी मीडिया बल्कि पूरे देश के जो मीडिया से जुड़े हुए लोग हैं, चाहे वो किसी भी तरह की जिम्मेदारी निभा रहे हो, उन सबको हमारा सलाम है। और इस वक्त 3 खास मेहमान हमारे साथ हैं। सुरेश खन्ना जी हैं, उत्तर प्रदेश के वित्त मंत्री हैं, पीसी शर्मा जी हैं, विधायक हैं कांग्रेस के, पूर्व मंत्री हैं कमलनाथ सरकार के, और इस वक्त गोविंद ठाकुर हिमाचल प्रदेश से जुड़ रहे हैं, ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर हैं। बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से इस कार्यक्रम में। सुरेश खन्ना जी, हमारे कार्यक्रम का नाम है लॉक है डाउन नहीं, क्योंकि हम हैं इंडिया वाले, हम मजबूती से लड़ने में जाने जाते हैं। और मेरा सवाल यह था कि सुरेश खन्ना जी, पहली बार बच्चों से लेकर बड़ों तक, शहरी इलाकों में हो, चाहे गांव के इलाकों में हो, या जहां सुविधा संपन्न लोग हैं वहां पर भी हो, दिल्ली में बैठे हुए लोग हो, मंत्री हो, मिनिस्टर हो, अफसर हो, सबको ये एहसास हो गया कि जरूरतें बहुत कम रखिए, घर बहुत छोटा होना चाहिए, बच्चे जो है वो, उनको संस्कार सिखाने की जरूरत है, बच्चे माँ बाप का सहयोग कर रहे हैं, रामायण देखकर जो है वो पात्र बने हुए हैं, रामायण के किरदार बन जाते हैं, और माँ बाप को हे माते हे पिता करके बुलाते हैं, भाई बहन को एक दूसरे का संबोधन जो है उनका बदल गया है। और मैं आपसे जानना चाहता हूं कि वित्त मंत्री के तौर पर
आपके लिए क्या चुनौतियां इस वक्त दिख रही हैं आने वाले समय में, क्योंकि 3 मई तक लॉकडाउन है, जान है तो जहां ने प्रधानमंत्री ने कहा है हम सब उससे इत्तेफाक रखते हैं, और प्रधानमंत्री ने 7 बातें कही है कि सबको पालन करना पड़ेगा। आप वित्त मंत्री के तौर पर उत्तर प्रदेश के हालात को कैसे देख रहे हैं, और आपके सामने क्या अच्छी चीजें आई हैं, और थोड़ा सा संकेत आपको जो लग रहा है कि वहां चुनौती आएगी वो क्या है? देखिए, प्रधानमंत्री जी ने जन भावनाओं का सम्मान करते हुए ये लॉकडाउन की अवधि को 3 मई तक बढ़ाया है। इसमें पूरे देश का ही कल्याण है, जन सामान्य का हित इसी में निहित है कि हम इसका पूरी शिद्दत के साथ पालन करें। जहाँ तक चुनौतियों का सवाल है, अगर हम देखें बहुत विद्वान मनीषियों ने भी इस पर अपने अपने तरीके से कमेंट किया है, और उन सभी का अगर निष्कर्ष निकालें तो उन्होंने स्वास्थ्य को, उत्तम स्वास्थ्य को प्राथमिकता दी है। तो सारी चुनौतियां सेकेंडरी हैं, पहली चुनौती हमारे लिए जान की है कि हम अपना जीवन कैसे बचाएं, अपने आप को स्वस्थ कैसे रखें। तो इस चुनौती को प्राथमिकता देते हुए ये वर्तमान में निर्णय लिया गया है, और जिसकी संभावना भी थी और जिसकी मांग भी देश के अधिकांश राज्यों ने की थी, और अधिकांश जनता भी यही चाहती थी कि ये लॉकडाउन बढ़ाया जाए। हमारे सामने निश्चित रूप से जब पहिया रुकता है, जब सामाजिक गतिविधियां रुकती हैं, तो उससे जुड़ी हुई चीज़ों से जो हमको कर मिलता है या करेत्तर राजस्व मिलता है, उसको निश्चित रूप से उस पर प्रभाव पड़ता है। लेकिन ये सारी चीज़ें सेकेंडरी हैं, प्राथमिकता जिसको देना चाहिए थी उसको दी गई है, और हम उसका मन वचन व कर्म से पालन करेंगे। यह हम आपके माध्यम से पूरे प्रदेश को इस बात को आश्वस्त भी करना चाहते हैं, क्योंकि आर्थिक परिस्थिति हम फिर संभाल लेंगे, आर्थिक चुनौतियों का मुकाबला हम बाद में भी कर लेंगे, लेकिन अगर जान चली गई, हमारा स्वास्थ्य ठीक न रहा, बड़े पैमाने पर यदि लोग संक्रमित हो गए तो निश्चित रूप से और ज़्यादा नुकसान होगा। इसलिए हर बड़े उद्देश्य की प्राप्ति के लिए छोटे उद्देश्यों से समझौता करना पड़ता है, और इसी उद्देश्य से ये किया गया है जिसका हम हृदय से पालन करेंगे। जी सुरेश जी, मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि हर चुनौती से, हर मुश्किल से कुछ ना कुछ सब लोग सीखते हैं, चाहे वो आम आदमी हो, किसान हो, मजदूर हो, सरकार हो, अफसरान हो, काम करने का नज़रिया बदलता है। हमने पुलिस का ह्यूमन फेस भी देखा, पुलिस की ब्रुटेलिटी को हम देखते हैं, पुलिस के हाथ काटने वाली तस्वीरों को भी हमने देखा कि कानून के हाथ काट दिए गए, ये तस्वीरें भी थी, डॉक्टर्स पर पत्थर फेंकने की तस्वीर देखी। लेकिन हमने तस्वीर ये भी देखी कि एक तरफ एक इलाके में डॉक्टर्स पर पत्थर फेंके जाते हैं, दूसरी तरफ सफाई कर्मचारियों की एक तरफ से स्वागत फूलों से होता है, डॉक्टर्स पर फूल बरसाए जाते हैं, एक हिंदू वृद्ध महिला की मौत होती है तो कंधा देने के लिए अर्थी को मुस्लिम परिवार के लोग सामने आते हैं क्योंकि बच्चे दूर फंसे हुए हैं, वो पहुंच नहीं सकते हैं। तो ऐसी तस्वीरें भी हैं जो बताती हैं कि हिंदुस्तान क्यों अलग है दुनिया से, क्यों हम दुनिया में कहते हैं कि हम विश्व गुरु हैं और विश्व गुरु हमारी विरासत रही है। मैं आपसे जानना चाहता हूँ, एक राजनेता के तौर पर नहीं, एक मंत्री के तौर पर नहीं, बल्कि प्राथमिकताओं की बात जब आपने की कि हाल में आपने अपनी प्राथमिकता को बदला है और देश की जनता भी अपनी प्राथमिकताएं समझ चुकी है, आप क्या चाहिए आपको, जब आप वित्त मंत्री के तौर पर बजट बनाने बैठेंगे या आगे भी जब कभी ऐसी स्थिति आएगी तो आपके दिमाग में रहेगा कि पहली प्राथमिकता क्या होनी चाहिए, दूसरी प्राथमिकता क्या होनी चाहिए? क्योंकि आपने कहा कि अगर सेहत है तो सब कुछ है, जान है तो जहान है, तो हमारे पास जो मैकेनिज्म है, जो सिस्टम है, उत्तर प्रदेश इतनी बड़ी आबादी वाला प्रदेश है, इतनी बड़ी जनसंख्या है कि उसके लिए सारे लोगों को स्वस्थ रखना, व्यवस्थाएं देना संभव नहीं है, लेकिन लोग खुद से प्रयास करेंगे, चाहे आयुष मंत्रालय हो, चाहे हमारी प्राचीन पद्धतियां हो। आपकी प्राथमिकता क्या होगी आने वाले दिनों में इस नजरिए को देखते हुए? हमारी सैद्धांतिक मान्यता यह है कि हम सबके साथ न्याय करें, लेकिन न्याय के ऊपर संवेदनशीलता है। हम हर पहलू को संवेदनशीलता के आधार पर देखते हैं, और न्याय के ऊपर है संवेदनशीलता। अगर न्याय और संवेदनशीलता में प्राथमिकता देना पड़े तो हम संवेदनशीलता पहले देते हैं, और देना भी चाहिए,
और उसके बाद न्याय आता है। इसलिए हमारा हर फैसला और हमारे जैसे लोगों का या जो सरकार में हैं उन लोगों की भी सोच इसी प्रकार का होना चाहिए कि हम संवेदनशीलता को प्राथमिकता दें और इसी आधार के ऊपर हमारी हम सारी चीज़ें तय करते हैं। जी बिल्कुल। पीसी शर्मा जी भोपाल में हमारे साथ जुड़े हुए हैं और मंत्रालय संभाल चुके हैं, जाने माने नेता हैं मध्य प्रदेश के और चेहरा उनका सब जानते हैं, विपक्ष भी समझता है उनको, पीसी भाई के तौर पर सब लोग जानते हैं मध्य प्रदेश में। पीसी भाई, राजनीति की बात मैं भी नहीं करूंगा, आप भी नहीं करेंगे, विपक्ष भी नहीं करेगा, लेकिन सवाल तो पूछना पड़ेगा। सवाल इसलिए पूछना पड़ेगा कि जनता को बताना भी तो है कि संकट है कहाँ, अब कैसे सुधरेंगे, कैसे कंट्रोल करेंगे। आप क्या सवाल पूछना चाहते हैं अपनी सरकार से, आप क्या जनता को बताना चाहते हैं विपक्ष के नेता के तौर पर, विधायक के तौर पर? सरकार से मैं यही कहना चाहता हूं और हम पहले दिन से कह रहे हैं, आप देखिए पहले 21 दिन लॉकडाउन हुआ और 19 दिन बढ़ गया, 40 दिन 135 करोड़ मध्य प्रदेश की बात करें तो 7.5 करोड़ लोगों में से कितने के पास राशन होगा 40 दिन का? और ये पहले से कोई घोषणा करके नहीं हुआ कि लॉकडाउन होने जा रहा है 24 तारीख से, ये लॉकडाउन हुआ सडन, जैसे ही मध्य प्रदेश में सरकार पलटी और लॉकडाउन हो गया तो लोग अपनी व्यवस्था नहीं कर पाए। ऐसे 50% लोग हैं, उससे ज़्यादा हैं, जो दिन भर कमाते थे और शाम को खाते थे। पहले दिन ही मैंने कमलनाथ जी से कहा जब लॉकडाउन हुआ कि अपील कीजिए साहब कि जिनके पास राशन कार्ड नहीं उनको राशन मिले। ऐसे लोगों को जिनके घरों में पैसे नहीं दिन भर कमाते थे उनके पैसे अकाउंट में जाना चाहिए, जिसे दूध वगैरह ये चीज़ बेसिक खरीद सकें। आप देखिए कि इंदौर की हालत इतनी ख़राब है, भोपाल की भी, कि आज ही 125 पॉजिटिव केसेस बढ़ गए कोरोना के और 43 से ज़्यादा डेथ हो गई है मध्य प्रदेश में, और इंदौर नंबर एक पे है 10 लाख पे जो डेथ हो रही है। हम बात करते हैं बाकी सब चीज़ों की, कंपेयर करते हैं दूसरे देशों से, पर दूसरे देशों की स्थिति अलग है। अमेरिका में 30 लाख से ऊपर टेस्ट हो रहे हैं। जी, जी, पीसी भाई, पीसी भाई, आपका सवाल वाजिब है। संख्या से जब तक हम टेस्ट करेंगे जी, आपका और मेरा एक ही कहना है, सिंपल कहना यह है कि उन गरीबों के घर पे राशन पहुंचना चाहिए। बिल्कुल, क्योंकि अगर राशन नहीं पहुंचेगा तो ये भुखमरी की स्थिति पहुंचा हो। बिल्कुल ठीक। और भारत भूषण कर रहे हैं, भारत भूषण जी जुड़ गए हमारे साथ, पंजाब सरकार में खाद्य और आपूर्ति मंत्री हैं। भारत भूषण जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और मेरे साथ गोविंद ठाकुर जुड़े हुए, ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर है हिमाचल प्रदेश के। गोविंद ठाकुर साहब, आपने सुना होगा कि पीसी शर्मा जी सवाल उठा रहे हैं कि सरकार ने मौका नहीं दिया, तो आप बीजेपी सरकार चलाते हैं, ये कांग्रेस के नेता हैं, विधायक हैं, राजनीति का सवाल नहीं है। और भारत भूषण आशु जी भी जुड़ गए हैं, जो भी पंजाब की सरकार में मंत्री हैं, खाद्य और आपूर्ति मंत्री हैं, वो भी हमारे साथ बने हुए हैं। तो मैं आपसे पूछ रहा हूं गोविंद ठाकुर जी, कि अगर मौका देते तो लोग घर भर लेते, घर कम से कम व्यवस्था कर लेते अपनी, कि 40 दिन नहीं, 50 दिन नहीं, 2 महीने आप लॉकडाउन कर दीजिए। तो पीसी शर्मा जी ने जो कहा, जो सवाल उठाए हैं, उस पर आपका जवाब क्या है? देखिए, मेरा तो एक ही जवाब है कि इस समय ना भारतीय जनता पार्टी, ना कांग्रेस पार्टी, ना कोई राजनीति वो महत्वपूर्ण नहीं है। इस समय तो प्रश्न यह है कि भारत देश को बचाना है और विश्व को बचाना है। और इस समय जो दुनिया के शायद कुछ देशों में गलती हुई है, लेकिन बहुत समय रहते भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो एक निर्णय लिया कि 25 तारीख से लेकर के लॉकडाउन और कर्फ्यू लगाया गया, शायद जिसके कारण से आज दुनिया से हम तुलना तो नहीं कर सकते। गोविंद ठाकुर जी, गोविंद ठाकुर जी, 135 करोड़ लोग कहीं ना कहीं सुरक्षित है। गोविंद ठाकुर जी, पीसी शर्मा जी ने जो सवाल उठाया उसका जवाब मैं मांग रहा हूँ, उसका जवाब पीसी शर्मा जी, आप सवाल सीधे पूछ लीजिए। गोविंद ठाकुर जी हिमाचल प्रदेश के ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर है। एक हफ्ते पहले बता रहा था कि लॉकडाउन कर रहे हैं, तो ये लोग जो दुनिया के, दिल्ली के, बंबई के जो लोग थे, ये अपने घरों चले जाते और बाकी लोग अपनी व्यवस्था कर लेते। ये बांग्लादेश जैसे कंट्री में हुआ है। सुरेश खन्ना जी, आप जवाब दे पाएंगे? उन्होंने बता दिया था कि लॉकडाउन होगा फला तारीख से। आप जवाब दे पाएंगे सुरेश खन्ना जी? जी सुरेश खन्ना जी, आप ये जवाब दे पाएंगे क्या? जी, पीसी शर्मा जी ने सवाल उठाया। पीसी शर्मा जी, एक बार फिर से पूछ लीजिए सवाल आपका सीधे सुरेश खन्ना जी। ऐसा है जी,
मैंने सवाल सुन लिया है जी, बताइए जवाब दीजिए। मैंने सवाल सुन लिया जी, जवाब दीजिए। जवाब सुनिए जी। हर बड़े उद्देश्य के लिए, हर बड़े उद्देश्य के लिए छोटे उद्देश्यों से समझौता किया जाता है। बड़ा उद्देश्य यह था लोगों की जान बचाना, कोरोना जैसी बीमारी से छुटकारा पाना, कोरोना जैसी बीमारी का फैलाव कम करना। एक तरफ सशक्त से सशक्त देश 2,000 मौतों से रोज ग्रसित है। इटली, फ्रांस, स्पेन ये वो देश हैं यूरोपीय जो बहुत संपन्न देश कहे जाते हैं, और अमेरिका भी, तो जहां पर घर में पहले अगर आग लगी हो तो हम पहले उसे आग को बुझाएंगे या बाकी सब चीजों को देखेंगे। तो इसलिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि हमारा जीवित रहना, हमारा स्वस्थ रहना, हमारा सेहतमंद रहना। तो इसलिए बड़ा उद्देश्य ये था, इसी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए माननीय मोदी जी ने ये निर्णय किया, और मैं समझता हूँ कि देश के लोगों के लिए ये निर्णय सबसे ज्यादा उत्तम था। उस वक्त अगर हम कहीं फंसे हैं, कहीं रुके हैं या किसी मजबूरी में रुके हैं, तो हमारे सामने हमको ये भी बताया गया है कि हम सारी व्यवस्थाएं, ये निर्णय 10 दिन पहले राज्य सरकार के द्वारा 5-10 केसेस आ गए थे और उस समय ले लेते तो ये जो स्थिति बनी ये नहीं बनती। जब जिस समय स्थिति के, ये दुनिया के देशों में हुआ है लॉकडाउन हुआ, जिस समय स्थिति की गंभीरता को देखा गया, एक मौका मौका देना था ना, ऐसी जिस समय इससे पहले अचानक लॉकडाउन करने के पहले उन्होंने 22 तारीख को ये चेतावनी दी थी। अभी 23 तारीख की रात को उन्होंने 22 तारीख को ये चीज 12 तारीख को हो सकती तारीख को 10 तारीख को हो सकती थी। हम 23 तारीख को ये 22 तारीख को ये संकेत दे दिया गया था, 22 तारीख को ये संकेत दे दिया गया था चीन के अंदर लॉकडाउन एक दिन का है, हमारी दुनिया में आगे बढ़ सकता है। सेफ्टी लेना था ना हमको, हमारे देश के लोगों की, जो गरीब हमारा देश गरीब देश है, आज जो दुनिया के मुकाबले में 50 करोड़ से ज्यादा लोग अनएम्प्लॉयड होंगे, इस महामारी की वजह से महसूस करता है। ये उनकी सुरक्षा की बात करना था खन्ना साहब, हम इन लोगों को भी बचा सकते थे, लोगों जो 350 लोग हैं, जो 10,000 से ऊपर जो पॉजिटिव हो गए, ये इसको भी रोक सकते थे। अगर ये 10-12 दिन पहले अगर हम लोग कर लेते, और ये बार बार हमको आगाह मिल रहा था दुनिया से, हमारी फ्लाइट्स बंद हो सकती थी पहले, इंटरनेशनल लोगों को आने से रोक सकते थे। पर ये डिसीजन लेट क्यों हुआ, ये क्वेश्चन आप में क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन हमेशा बना रहेगा खन्ना साहब, हमेशा बना रहेगा कि ये 15 दिन पहले निर्णय क्यों नहीं लिया गया, सब इतनी देरी 23 तारीख तक क्यों की, 23 तारीख की रात कहने दीजिए, जवाब सुनिए, 12 तारीख 10 तारीख जवाब सुनिए, बांग्लादेश ने किया है ये, एक हफ्ते पहले उन्होंने कहा कि हम 15 तारीख से लॉकडाउन करेंगे, लोगों ने अपनी व्यवस्था कर ली, जो बड़े बड़े शहरों में लोग थे अपने गांव चले गए, और ये वो लोग बच जाते। दिल्ली से भागा मध्य प्रदेश के मुरैना का रंजीत, रस्ते में समाप्त हो गया, कई लोग रस्ते में समाप्त हो गए, कई लोगों ने सुसाइड कर ली सूरत से आते हुए, आदमी उसकी बीबी और छोटा सा बच्चा सुसाइड कर लिए जब घर आते आते, ये सब स्थितियां नहीं बनती। आप देखिए जो इसके नेगेटिव पहलू हैं, इन पे भी ध्यान देना पड़ेगा। आज भी हमारा एक ही कहना है कि इन गरीबों को बचाना है, उनको राशन घर पे देना है, उनके अकाउंट में पैसे डालना है, और ये कोई बेरोजगार नहीं हो, ये सरकार को देखना पड़ेगा जी। खन्ना साहब आपकी टिप्पणी, जवाब सुनिए। जब स्थिति की गंभीरता को समझा गया, जब ये स्थिति देखी गई, उसी वक्त ये निर्णय लिया गया 22 तारीख को, और 22 तारीख को निर्णय लेते वक्त ये संकेत दे दिया गया था कि आगे भी ये हो सकता है, और उसी आधार के ऊपर 25 तारीख को लागू किया गया। क्योंकि हमको अगर पूरे देश में कुछ लोगों को हो सकता है तकलीफ हुई हो, कुछ लोगों को परेशानी हुई, हम इससे इनकार नहीं कर सकते, लेकिन बड़ा उद्देश्य ये था कि बड़ी महामारी से बचाया जाए। जिस प्रकार से दुनिया के देशों में ये महामारी जिस प्रकार से फैली है, उसको बचाने के लिए बड़ा उद्देश्य वो था, तो बड़े उद्देश्य को प्राथमिकता दी गई। भारत भूषण आशु जुड़ गए हैं है, और ये बिल्कुल सही समय पर निर्णय लिया गया, बिल्कुल समय समय पर निर्णय लिया गया। गोविंद ठाकुर जी आप क्या कहेंगे,
पीसी शर्मा जी ने सवाल उठाए, पंद्रह में लिया गया। गोविंद ठाकुर जी, पीसी शर्मा जी ने सवाल उठाए, न साहब मोर्चा संभाले हुए हैं। मेरा पुत्र हर बात का हो सकता है कि इस समय कोई आरोप हर बात पर हो सकता है, क्या ठीक है, क्या ठीक है, क्या गलत है। समय भारत एकजुट है, भारत के 135 करोड़ लोग मिलकर के इस युद्ध के विरुद्ध लड़ रहे हैं और विश्व विजेता भारत बनेगा, कोरोना को मात देंगे। और भारत के प्रधानमंत्री का जो निर्णय है वो 101% बिल्कुल सही है और 135 करोड़ लोग इसके साथ हैं। और ये प्राथमिकता प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि जहां पहले एक लैब टेस्टिंग तक का था, आज 220 से ज्यादा हम टेस्ट कर रहे हैं, आज 1,00,000 से अधिक बेड कैपेसिटी हमारे पास है। और यानी हर प्रकार को, फिर दूसरा जो उन्होंने कहा है कि गरीब की देख रेख करने की जिम्मेदारी केवल मात्र सरकार की नहीं, पूरे देश की सामाजिक संस्थाएं, भारत का हर नागरिक अपने आप। पीसी भाई कह रहे हैं कि राजनीति मत करिए, पीसी भाई, गोविंद ठाकुर जी और सुरेश खन्ना जी कह रहे हैं राजनीति मत करिए। राजनीति नहीं है, हम लोग लगे हैं, हम सरकार के साथ हैं, हमारी पूरी कांग्रेस पार्टी मध्य प्रदेश में सरकार के साथ चल रही है। हम अस्पतालों में जाके सैनिटाइजर्स की मशीनें लगा रहे हैं, जो पुलिस वाले हैं उनके घरों पे सैनिटाइज मशीन लगा रहे हैं और उनको सैल्यूट करते हैं। खन्ना जी आखिरी टिप्पणी, खन्ना जी आखिरी टिप्पणी, आपके कार्यक्रम खत्म करने से पहले आखिरी टिप्पणी खन्ना जी, खन्ना जी आखिरी टिप्पणी आपकी, आप वरिष्ठ हैं, आपकी आखिरी टिप्पणी। देखिए, जिस प्रकार स्थिति की गंभीरता को देखते हुए सही समय पर निर्णय किया गया, उसने इस देश को महामारी फैलने से बहुत बड़ा रोकथाम की है। और जिस प्रकार से हम लोगों ने उत्तर प्रदेश में हमने हर स्तर के लोगों को मदद की है, चाहे वो मनरेगा का मजदूर हो, चाहे अंत्योदय कार्ड होल्डर हो, और चाहे वो दिहाड़ी मजदूर शहरी क्षेत्र का हो, चाहे ग्रामीण क्षेत्र का हो, हमने हर प्रकार से उन लोगों की सहायता भी की है, उन लोगों के आंसू पोंछने का काम किया है कि जो लोग अपने आप को ये महसूस कर सकते थे इस लॉकडाउन के पीरियड में कि उनका कोई नहीं है, सरकार ने हर स्तर पर, योगी जी की सरकार ने उनके पास उनके बैंक अकाउंट में 1,000 रुपए की सहायता भी भेजी और उनको हर प्रकार से खाद्यान्न की व्यवस्था भी की है। सुरेश खन्ना जी, जो आप लोग कह रहे हैं, सब लोग कह रहे हैं राजनीति मत करिए, लेकिन समाजवादी पार्टी सवाल उठा रही है, बीएसपी सवाल उठा रही है, कांग्रेस सवाल उठा रही है। सवाल उठाने का मतलब ये थोड़ी है कि इस मामले में राजनीति हो रही है। भाई, कोई गंभीर मसला है तो आपको बताना तो पड़ेगा, वो भी तो देश के नागरिक है, वो भी देश के राजनेता है, वो तो समझा रहे हैं, आपको बता रहे हैं, उनकी सुनने में क्या तकलीफ है। हम कोई सुनने में तकलीफ नहीं है, इसीलिए इस बात का जवाब भी दे रहे हैं। और हर हालत में हमारी सरकार ने पूरी शिद्दत के साथ, पूरी सतर्कता के साथ, हमने उन लोगों की मदद भी की है, उनकी सहायता भी की है कि जो लोग जरा भी अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहे थे, जरा भी इस बात का जो आशंका महसूस कर रहे थे कि उनके सामने रोजी रोटी का संकट है, और हम हर स्तर से उन लोगों के साथ खड़े हैं, उनकी पूरी मदद की जाएगी, जहां पर जैसी आवश्यकता होगी वैसी मदद की जाएगी। बहुत योगी शुक्रिया सुरेश खन्ना जी, के लिए वचनबद्ध, इतना लंबा वक्त हमने आपका लिया है, बहुत शुक्रिया आपका, पीसी शर्मा जी का, गोविंद ठाकुर जी का, आपकी आवाज, गोविंद ठाकुर जी आपकी मुस्कुराहट हम तक दिख रही है लेकिन आवाज उतनी साफ नहीं है कि हम बहुत मजबूती से सुन सके, हालांकि दिल्ली से हिमाचल के पहाड़ हम देख पा रहे हैं, खुशनुमा माहौल है हिमाचल में। जी, बहुत खुशनुमा है हिमाचल के 8 जिलों में कोई कोरोना का, मैं इसकी बात नहीं कर रहा हूँ, कोरोना को थोड़ी देर के लिए भूल जाइए। गोविंद ठाकुर जी, वादियां खुशनुमा हो गई हैं, सुरेश खन्ना जी बहुत धन्यवाद आपका, पीसी भाई आपका धन्यवाद, और गोविंद ठाकुर जी आपका भी धन्यवाद। और हम उम्मीद करते हैं कि हम सब मिलकर कोरोना से लड़ेंगे, संकट से लड़ेंगे, क्योंकि हम कह रहे हैं कि लॉक है, डाउन नहीं, क्योंकि हम हैं इंडिया वाले। देखते रहिए जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड, और बने रहिए ताजा तरीन खबरों के लिए हमारे साथ।